तो लंबे इंतजार के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री बन गए। विभाग का बंटवारा भी हो गया है। ऐसे में कितनी जिम्मेदारी होगी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर की, वो यूपी में मिशन 80 को पूरा करने की जिम्मेदारी भी होगी, जिसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विभागों का भी बंटवारा हो चुका है, अहम जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वहन करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगे। सर, लंबी लड़ाई लड़ी है, मंत्री बने, अब आपको विभाग की जिम्मेदारी मिली, कैसे दे, काफी महत्वपूर्ण विभाग आपको दिए गए। कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ऊपर विश्वास जताया और बड़ी जिम्मेदारी दिया। उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ सबको लेकर के हम चलेंगे। जो भी योजनाएं बनेंगी सरकार की तरफ से, कैबिनेट से जो भी बात पास होगी, उसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे। अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े रहेंगे तो कैसे लगता है कि एक बड़ा एक वर्ग है, उसको कैसे जुड़े? हमेशा हम जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं। हम अल्पसंख्यक कल्याण और जो वक्फ बोर्ड और हज, हम मुस्लिम भाइयों से कहूँगा आपके माध्यम से कि जो विपक्ष के लोग हैं वो नफरत की राजनीति करते हैं, एनडीए की सरकार भाईचारा मिल्लत की बात करती है, हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, हम नौकरी की बात करते हैं, हम सबको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और विपक्ष के लोग सिर्फ नफरत दिखा करके, बीजेपी का भय दिखा करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, एनडीए की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, साफ साफ उन्होंने काम जो कानून बना है, चाहे वह किसान सम्मान निधि का हो, उसमें जाति धर्म नहीं है, चाहे 5 लाख गरीबों के इलाज का हो, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे कोई भी योजना जो बनी है उसमें कहीं जाति धर्म नहीं लिखा है, सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्म जाति के लोग ले रहे हैं। ये बात विपक्ष के लोग नहीं बता रहे हैं, अगर ये बताने लगेंगे तो नफरत खत्म हो जाएगी। नागरिकता देने का है न कि लेने का है, अब विपक्ष वही नफरत की भाषा फिर बोल रहे हैं, तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी, यहाँ जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हम उनसे कहूंगा कि कोई भी समस्या हो, कोई बात हो, आप बेहिचक आप हमसे मिलो, आधी रात को भी हमारा दरवाजा खुला रहेगा, आप मिलो और मिल के देखो कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है और विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर है। अब जो विभागों का भी बंटवारा हो चुका है, जिम्मेदारी अहम है, अभी देखना होगा किस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और कहीं ना कहीं एक लंबे वक्त के बाद में एक बार फिर से सरकार में शामिल जरूर हुए हैं, अब देखना होगा कि किस तरीके से जो विभाग बंटवारा उसमें किस तरीके से और बेहतर काम करते हैं। अर्शद के साथ